बागमारा के मोलीडी पंचायत में युवकों के स्वास्थ्य व खेल कूद के आयोजन के लिए लगातार पंचायत के मुखिया आजाद मुखिया चिंतित रहते हैं। वहीं हर दिन कोई ना कोई आयोजन करते रहते हैं। अभी उन्होंने पंचायत क्षेत्र में 3 दिवसीय आजाद हिंद स्पोर्टिंग नाइट्स शॉर्ट पिच टूर्नामेंट का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन ईस्ट बसूरिया ओपी प्रभारी उपेंद्र कुमार के द्वारा किया गया। उपेंद्र कुमार ने टूर्नामेंट का शुभारंभ प्रथम बल्लेबाजी करते हुए किया। इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने भाग लिया। पहला मैच आजाद हिंद स्पोर्टिंग क्लब वर्सेस भूली स्टार क्लब के बीच हुआ, जिसमें बुरी तरीके से आजाद हिंद स्पोर्टिंग क्लब को धूल चटाया। वहीं आयोजक मोहम्मद आजाद मुखिया ने बताया कि युवाओं के स्वास्थ्य व मन को एकांतरित करने के लिए ऐसे आयोजन लगातार कराए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र के युवाओं में खुशी की लहर है। आजाद हिंद क्लब मोहलीडी ऊपरकुली की ओर से रात्रि टूर्नामेंट टिकट कर रखा गया था, जो आज ओपनिंग हमारे थाना अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुमार जी ने किए और पर अभी तक यहां पर कम से कम 16 जो ऐसा टीम है जो भाग ले चुकी है और कल तक ये पहला चरण का खेल चलेगा, एंट्री जारी रहेगा कल तक। कितने दिवसीय का ये टूर्नामेंट? ये 3 दिवसीय है और हर साल होता है। इस साल भी लोगों को खेल के प्रति हमेशा जागृत करते रहते हैं, बीच बीच में स्पोर्ट का खेला कराते रहते हैं ताकि सेहत भी ठीक रहे और खेल के माध्यम से अपना आगे भविष्य तलाशे, यही संदेश है।